टू दिस अदर सीरम, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. ये है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल विटारिश ग्लॉस हेयर सीरम. ये है अराउंड 45 ml का बॉटल और इसका प्राइस है 110 rupees. सो दिस इज माई गो टू प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू दिस सीरम. ये जो दूसरा सीरम है स्ट्रिक्स वाला, ये काफ़ी अच्छे से आपको आपके बालों पे वर्क करता है, काफ़ी अच्छे से आपके बालों को नरिश करेगा, फ्रिज फ्री बना देगा और टेंगल्स फ्री बना देगा. इसका प्राइस, इसका क्वांटिटी, इसका इफेक्ट, अगर सबको देख के अगर इन दोनों में से मुझे कोई सिलेक्ट करना होगा तो आई विल डेफिनेटली सिलेक्ट दिस वन. सो द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है श्वार्ज़कॉफ स्पा एसेंस. इट्स एनरिचिंग क्रीम मास्क फॉर डैमेज्ड हेयर. सो बेसिकली ये एक स्पा का क्रीम है. ये है 500 ml एंड इसका प्राइस है 660 rupees. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट्स क्वान्टिटी. इन्होंने जो क्वान्टिटी प्रोवाइड की है इन जस्ट 500-600 rupees, इट इज़ रियली गुड. कुछ इस तरीके का ये क्रीम मिलता है. लाइक ऑनेस्टली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं. मेरे बाल थोड़े से थोड़े से फ्रिजी टाइप के हैं, तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ आफ्टर शैम्पूइंग माई हेयर, डेफिनेटली मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं. एंड लाइक यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. इसकी क्वान्टिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है. आई गेस ये टब मुझे अराउंड 6-7 months से उससे भी ज़्यादा चलने वाला है. So, इतनी क्वान्टिटी के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा चार्ज नहीं किया है. सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. तो इस प्रोडक्ट के साथ मुझे एक्चुअली ये एक प्रोडक्ट फ्री मिला है. इट इज़ अगेन देयर हाइड्रोलिक मॉइस्चर केक. सो इट इज़ बेसिकली अ स्प्रे कंडीशनर. इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है. कुछ इस तरीके से है ये. सो आई गेस यू आपको सिर्फ इसको स्प्रे करना है ऑन योर हेयर एंड देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ. सो आई डेफिनेटली यूज़ दिस एंड आई शेयर माई फीडबैक. ये भी कुछ इस तरीके से है, ब्लू कलर की बॉटल में. इसकी क्वान्टिटी है अराउंड 50 ml. तो ये तो प्रोडक्ट मुझे फ्री में मिला था, लेकिन आई हैव रिसर्च्ड अबाउट इट. तो इसका जो कंडीशनर है वो आपको 900 rupees में मिलेगा, 200 ml का बॉटल. सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स. सो सबसे फर्स्ट थिंग जो मेरे पास है वो है ब्लू हेवन एक्सप्रेशन मेकअप स्टिक. सो ऑनेस्टली जब मैंने ये स्टिक को ऑर्डर किया था, लाइक जब ये स्टिक मुझे रिसीव हुआ था, मुझे समझ नहीं आया था कि इसका यूज़ क्या है. एक्चुअली इसको मुझे एज अ करेक्टर यूज़ करना है, कंसीलर यूज़ करना है, फाउंडेशन यूज़ करना है कि क्या करना है. आई वॉज नॉट एबल टू फिगर इट आउट. बट अभी इस प्रोडक्ट को मैं काफ़ी तरीकों से यूज़ करती हूँ. इसको मैं एज अ करेक्टर यूज़ करती हूँ, कंसीलर यूज़ करती हूँ, आई शेडो का बेस यूज़ करती हूँ. सो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट. मेरे पास जो शेड है ये कुछ इस तरीके का है. ये है नेचुरल ग्लो 04. सो अगर आप कोई मल्टीपर्पज स्टिक सर्च कर रहे हैं फॉर योर मेकअप, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. ये है अराउंड 11.5 ग्राम एंड इसका MRP था 95 rupees. सो ये बहुत ही चीप, लाइक सस्ता सा प्रोडक्ट है जो आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो अगेन है फ्रॉम ब्लू हेवन. इट इज़ ब्लू हेवन लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा. ये है अराउंड 12 ml और इसका है इसका प्राइस है 125. आई नो मार्केट में इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, बट एज आई सेड मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ. सो मैं ऐसा कुछ अफोर्डेबल देख रही थी. यस, ये काफ़ी अफोर्डेबल है और ये लाइक अपना काम भी अच्छे से करेगा. लाइक इट विल रियली गिव यू दैट कर्लिंग इफेक्ट. सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट. नेक्स्ट है लैक्मे इंस्टा लाइनर वाटर रेजिस्टेंट आई लाइनर. ये है कुछ 9 ml का बॉटल और इसका प्राइस है अराउंड 100 rupees. सो अगेन इफ आई टॉक अबाउट द आई लाइनर, काफ़ी सारे ब्रांड्स के आई लाइनर अवेलेबल हैं, बट आई डोंट नो विद सम अदर ब्रांड्स. कभी कभी मुझे थोड़ी सी इचिंग सी होती है, सो दिस इज माई गो टू आई लाइनर. सो द नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है इनसाइट मेकअप इसेंशियल प्राइमर 3-in-1. इसको आप एज अ प्राइमर, प्रोटेक्टर एंड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं. सो दिस इज सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट. ये है अराउंड 30 ml का ट्यूब विच कॉस्ट अराउंड 240 rupees. कुछ इस तरीके से इसका कंसिस्टेंसी है. बहुत ही इजीली ये आपके ओपन पोर्स को लाइक ब्लैकआउट कर देगा. सो लास्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो है वेट एंड वाइल्ड कलर आइकन आई शेडो 10 pan palette. मेरे पास है रोज इन द एयर शेड. ये है अराउंड 10 ग्राम एंड इसका प्राइस था कुछ 500-600 rupees.
इट इज सुपर सुपर मल्टीपर्पज पैलेट. इसको मैं एज अ कॉन्टोर यूज करती हूँ, एज अ हाईलाइटर, एज अ आई शेडो, एज अ ब्लश. इसके काफी सारे यूजेस हैं. इसमें बहुत सारे अच्छे एंड अलग अलग शेड हैं. इसमें आपको दो शिमर शेड मिल जाएंगे, एक ये और ये, और बाकी सारे हैं वो जो मैट शेड आपको मिल जाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट इट्स पिगमेंटेशन. सो पिगमेंटेशन भी इसकी काफी अच्छी है, कुछ इस तरीके से. ओके, इसका एक ड्रॉबैक है. इसके बारे में मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई है, जो कि है इसमें इन्होंने कोई भी ब्रश हमें नहीं दिया है. सो अगर आप इसको बाय कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप इसके साथ कोई भी ब्रश या फिर कोई ब्रश भी एक खरीद लें, सो यू कैन यूज़ इट. अदरवाइज आप अपने फिंगर्स से भी इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं. सो यस, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. सो येस, दैट्स इट अबाउट आर टुडेज वीडियो. आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी. अगर आप ऑलरेडी इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन. और अगर आपको इस प्रोडक्ट्स का रिव्यू चाहिए सो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल डेफिनेटली कम बैक विद द रिव्यूज ऑफ इट. आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो. टिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड टेक केयर.